जिंदगी किसी को नहीं बख्शती, मांगी हुई हर खुशी देती है, लेकिन उसके बदले हर इंसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी हालत पर शायद आपको तरस आ रहा होगा, लेकिन यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत बचपन में हुई थी। घूर क्या रहा है बे? हाँ, चोरी करता है। इसी उम्र में चोरी करना सीख गया। हाँ? पढ़ने लिखने की उम्र में चोरी करता है। अरे भागता कहाँ है? पकड़ो इसे, पकड़ो। अच्छे बच्चों को मैंने ठीक कर दिया है। तेरी तो औकात ही क्या है पिद्दे? हाँ? बोलना क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो आरती उतारू तेरी। तू जानता नहीं मेरा उस्ताद कौन है? तेरी तो वो यूं छुट्टी कर देगा। कौन है तेरा उस्ताद रे? जॉनी भाई। अपन जॉनी भाई के लिए काम करता है। राम साहब, ये मेरा छोकरा है, छोड़ दो इसे। तो ये है तेरा जॉनी भाई? हाँ यही है। अब देख तेरे इस जॉनी भाई की कैसी खातिरदारी करता हूँ। और क्या हाल है साहब, भाभी बच्चे सब मजे में ना? मारा क्यों? अरे सर 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 सर, ये पूछ रहा है, ये कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना क्योंकि मैं जॉनी भाई का आदमी हूँ। अबे तेरी औकात क्या है? तुझे क्या लगता है तेरा इतना बड़ा खौफ है कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तेरी चमड़ी उधर दूंगा। ये छोकरा कहता है कि तेरा नाम सुनकर मुझे सूसू आ जाएगी। अब मैं तेरी पत्नी की लिख रहा हूँ। दुनिया उल्टी हो गई। अबे देख इसकी बिना साबुन के कैसे धुलाई हो रही है। मर गया, तेरी तो बचाओ, माफ कर दो। तेरी को बिना जाने उल्टा सीधा बोल दिया होगा। एक मिनट, ये लो और बात को खत्म करो। इसका वजन इतना हल्का क्यों है? मंदा मंदा चल रहा है सर। चल फूट यहाँ से। जी साहब, चलो रे निकलो। सुन, बच्चे को आगे से ज्यादा हीरो मत बना। इसे समझा दे कि असली हीरो हम पुलिस वाले हैं। सबको समझा दूंगा। मेरे बारे में क्या बोला उसको? मैं तेरे को हीरो समझा इसलिए तेरा नाम लिया, पर तू तो जीरो निकला। एक पुलिस वाले से मार खा लिया। फिर क्या, मैं उसे मारता? ऐसे सांड जैसे शरीर का क्या फायदा? एक घुमा कर देना था उसे। मरना है क्या? अरे वो पुलिस वाला है। पुलिस वाला है तो क्या हुआ? चोरी तो वो भी दबा के करता है ना, अपन लोगों से अपना ही माल छीनता है, तो उसमें और हमें फर्क क्या है? फर्क पड़ता है उस वर्दी का। पुलिस की वर्दी पहनकर वो कुछ भी करे उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो पुलिस वाला है, पुलिस वाला। ए, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, तू उधर देख रहा है? मैं समझ गया हूँ, तुझ जैसे लुक्के के साथ कुछ नहीं करना। अब कुछ और करूँगा। फिर क्या करेगा? वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपुन। ए, क्या बोला, फिर से बोल। जानता है क्या तूने हाथ किस पर डाला है? होने वाले पुलिस ऑफिसर पर। चल हाथ हटा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। लोगों ने कहा पुलिस में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं अनाथ था, स्कूल भेजने वाला कोई नहीं था, इसलिए दिन में काम करता और रात को नाइट स्कूल में जाता। रास्ते में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जानता था पुलिस वालों को जिंदगी में सारे ऐशो आराम मिलते हैं। 100 रुपए लो और छोड़ दो ना साहब। लाइसेंस ना हो तो 100 रुपए मिलते हैं। चोर को पकड़ा जाए तो माल पर आधा हक उसका होता। दो लोगों के झगड़े में दोनों से पैसे वसूल कर सकता था। मैंने खूब सारी फिल्में देखी और पुलिस वाले हीरो के डायलॉग बोलने की कोशिश किया करता था। पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत है ये मैंने तब समझा। पुलिस की वर्दी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी कैसे कर सकते ये मैंने उन फिल्म से सीखा। भले हम कितना भी सीधा काम क्यों ना करने की कोशिश करें, ऊपर से कोई ना कोई हम पर प्रेशर जरूर डालता है। इसीलिए खुद टेढ़ा होने में ही समझदारी है। नौकरी भले ही सरकारी पर वफादारी उन्हीं से करनी चाहिए जो पैसे देते हैं। मैंने सीखा कि अगर कानून अपने हाथ में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसे मर्जी हो अंदर कर सकते हैं, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब पैसे आते हैं तो साथ में रुतबा आता है, इज्जत बढ़ती है,
सब कुछ मिलता है और इस सब की वजह है ये वर्दी। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं बनूंगा तो पुलिस वाला बाय हुक और बाय क्रुक। मैदान में, बाजार में या तुम्हारे अड्डे पर, बोलो। दिन रात कड़ी मेहनत करके मैंने 10वीं पास कर ली, लेकिन डिग्री हासिल करना काफी मुश्किल था। एक बार तो मैंने हार मान ली थी, लेकिन देश में हो रहे हजारों घोटालों ने मेरा इरादा फिर से मजबूत कर दिया। काली कमाई और रिश्वतखोरी की दुनिया से मैं खुद को दूर नहीं रख पाया। रात भर जागकर खुली आंखों से पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता था। अंकल, मैं और पढ़ाई नहीं कर सकता। अभी डिग्री के लिए और 5 साल लगेंगे, क्या करूं? सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वही मेहनत खरीद लूं तो? क्या कह रहे हैं? मैं पैसों से डिग्री खरीदूंगा। आखिरकार पैसों के दम पर मैंने डिग्री खरीद ली। हर फिजिकल टेस्ट को मैंने अपनी काबिलियत से पास किया। शायद मेरी अच्छी किस्मत थी या आपकी बुरी किस्मत, पर मैं सीनियर इंस्पेक्टर बन ही गया। जय हिंद। के क्या देख रहे हो? आजाब समंदर काय के लिए बना है? मछलियों के लिए। बिल्कुल सही बोला, पर अपन नाव में बैठकर उधर मछलियां पकड़ने जाता है। मतलब कि अपन लोग फिशिंग के लिए जाता है उधर, फिर भी पुलिस उसे स्मगलिंग का नाम देती। सिर्फ उतना ही नहीं, पुलिस अपने पंटरों को पकड़कर जेल में भी डाल रही है। आज एक इंस्पेक्टर ने अपने भाइयों को अंदर कर दिया। उसे खलास करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके मरने के बाद फिर कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार। समझे? सिर्फ उस ऑफिसर की जगह पर किसी ऐसे को बिठाओ जो अपने इशारे पर हमारा काम करे, बस। उसका ईमानदारी नाम की बीमारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट में अपन बोले ना तो अपना पालतू कुत्ता बन के रहना चाहिए। तुमसे बड़ा हरामी और कहाँ मिलेगा? हाँ, याद आया मुझे, ऐसा एक आदमी हैदराबाद में है। अगर हम सब मगरमच्छ है तो वो शार्क है। शार्क? हाँ। पुलिस! लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। तो फिर मुझे देखकर भागा क्यों? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है सर, मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं। खोपड़ी सर, सर। जॉनी भाई, पुलिस से डरते हो इसलिए मैं पुलिस वाला बन गया। जॉनी भाई, वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपुन। अरे वाह, सॉरी सर, कभी सोचा नहीं था आप पुलिस वाले बनेंगे। अच्छा ये बताओ कि वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे सच में नहीं पता। हाँ, मरने वाले का नाम सूरी है। सूरी? हाँ, सच में? बिल्कुल, सूरी को मारने के बाद टकले को भागते हुए देखा था। डेड बॉडी का? आओ मैं तुझे वहां ले चलो। चलो चलिए। ये देखो, ये सूरी।
इसका बायोडेटा दे। ये माधव का भाई है, सालों से माधव और शकील की गैंग्स में गैंग वॉर चल रहा है। शकील के आदमियों ने कई बार इसे मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आज कोई और ही आकर इसका गेम बजा गया। शकील और माधव जानी दुश्मन है ना? हाँ। चल शकील को फोन कर, इसकी डेड बॉडी की डील करेंगे। डेड बॉडी की डील? फोन कर बे। हेलो। सुन बे चचुंदर, इस वक्त सूरी मेरे सामने खड़ा है, मैं उसे उड़ाऊं या नहीं बस इतना ही पूछना था। कौन बोल रहा बे? मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, उड़ाऊं या छोड़ दूं? तू जो कोई भी बोल रहा है, अगर तू उसे मारेगा ना तो मैं तुझे 10 लाख कैश दूंगा। आधे घंटे में टीवी ऑन करना, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। पुलिस स्टेशन में फोन करके कांस्टेबल बोला। वाह, गुरु चेले का बाप बन रहा है। हेलो, मार दिया उसे, खुश हो ना? अपना नाम तो बता, जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया। तूने एक झटके में कर दिया, क्या कुत्ते की मौत मारा? तू जगह बता, मैं अभी पैसे भिजवा देता हूँ, नहीं तो मेरे घर ही आ जा, तुझसे मिलना भी हो जाएगा। सही वक्त आने पर मिल भी लेंगे, तुम बस बैग में 10 लाख कैश भर के रेड रोज कैफे भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ, ओके? पैसे लेकर आते हैं। एक मर्डर देखने की फीस 10 लाख। अब शकील के घर जाकर आते हैं। और उसके यहाँ क्यों? उसने तो पैसे दे दिए। वो मुझसे एक बार मिलना चाहता था ना, उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। पुलिस, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? मैंने ये कब कहा? मर्डर करना मतलब पुलिस को इनवाइट करना बे। मर्डर? कैसा मर्डर सर? मर्डर कैसा? हम जानते हैं सूरी को किसने और कैसे मरवाया है। मर्डर वाली जगह मुझे शूटर का फोन मिला है। मर्डर करने से ठीक पहले और उसके बाद उसने तुझसे बात की है, चेक कर ले। दिन में सैकड़ों लोग मुझे फोन करते हैं, तो क्या उन सबका हिसाब आप मुझसे मांगोगे? मैं तुझे नहीं जानता, सूरी को मारा तो 10 लाख दूंगा, रेड रोज कैफे, इतना काफी है या कंट्रोल रूम जाकर पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनाऊं? हां, तुझे तो फांसी पर चढ़ाऊंगा। सर नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। छोड़ दूंगा, ऐसा अमाउंट बोल जो कानों को अच्छा लगे। सर मैं 10 लाख देता हूँ। पुलिस और शूटर में तुझे कोई फर्क नहीं दिखता क्या? जरा सोच समझ कर इज्जत से बात कर। सर इस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 लाख ही कैश है। ये तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया, 1 घंटे में 7 लाख रुपए। माधव का भाई मारा है ना, उसे श्रद्धांजलि देकर आते हैं। वसूली अभी पूरी नहीं हुई। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। तुमसे कुछ बात करना। कहिए। आप अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना? सिर्फ प्यार नहीं करता था, वो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर था। जिसने उसे मारा उसके खिलाफ सबूत है मेरे पास। सबूत? ये पक्का उसी कमीने शकील का काम है। शकील भी उसे नहीं जानता जिसने तुम्हारे भाई को मारा। तो फिर किसने मारा बताओ मुझे। क्या करोगे जानकर, सबूत है, केस फाइल करता हूँ। सर वो सबूत मुझे दो और इस केस को भूल जाओ, कल सुबह तक उस कमीने का राम नाम सत्य मैं करूंगा। जल्दी नाम बताओ उसका। अगर मैंने कातिल को अरेस्ट किया तो गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देगी। गोल्ड मेडल को गोली मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ, बस एक बार मुझे उस कातिल का नाम बता दो बस। तुम्हारा भाई मरा है, तुम गहरे सदमे में हो, घर की औरतें शोक मना रही हैं, पता नहीं तुम्हारे घर में इस वक्त 10 लाख रुपए कैश होंगे या नहीं। अरे सर 10 को भूल जाओ, चाहे तो 20 लाख ले लो, उसका नाम बता दो बस। इधर एक बार उसका पता चल जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। इसने मारा मेरे भाई को, कमाल कर दिया, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। तुम्हारी खोपड़ी तो शैतानी आइडियाज की फैक्ट्री है। बचपन में तुमसे ट्रेनिंग नहीं ली इसीलिए समझदार हो। इसमें से 5 रख लो, घर जाकर सो जा। सवाल ही नहीं उठता, अब तो साथ रहेंगे, डुएट गाकर खूब नोट छापेंगे। दिन में सपने मत देखो, कल से मैं इस शहर में नहीं रहूंगा, मेरा ट्रांसफर हो गया किसी और शहर में। ट्रांसफर पर कहां? सीमांध्र। सर आज गांधी जयंती के दिन गांधी जी के आगे सैल्यूट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज एक नया एसआई ट्रांसफर होकर यहाँ आ रहा है। शहर को बचाने के लिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको पता उसका नाम क्या है? उसका नाम है दया, जो कि उसमें बिल्कुल भी नहीं है। सर वो तो एक नंबर का कमीना है।
सर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने का वो इतना सा मौका नहीं छोड़ता कमीना। विपिन सर, चीफ सर, कमले सर, राम सिंह सर, सलमान सर, अंकेश सर, शर्मा सर। तुम्हारा नाम? नारायण मूर्ति सर। हैं? नारायण मूर्ति सर। सैल्यूट क्यों नहीं किया? मुजरिम को पकड़ते वक्त हाथ में चोट लगी है। ठीक हो जाए तो कर लेना। ये लोग कौन है? स्मगलिंग केस है सर। अंदर क्यों रखा है? इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। बाहर निकालो। बाहर निकाला तो ये भाग जाएंगे सर। क्या यार, मेरे रहते थोड़ी भागेंगे। कुर्सी ला रहे? यस सर। मेरा नाम सुन के मुजरिम कांपते हैं। खोलो 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 खोलो। मुजरिम को नहीं जानते सर। ये लोग तो बाहर आ रहे हैं सर। सर ये गलत हो रहा है। तो क्या हुआ? सर ये लोग भाग जाएंगे। तुम्हारे होते हुए ऐसा हो सकता है? अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था। मूर्ति ऐसे मुजरिमों को लॉकअप में ही रखना चाहिए। आप ही ने लॉकअप का दरवाजा खुलवाया। मुझे क्या पता ऐसा होगा, तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। भाई साहब की लड़कियां तेज है पर लड़के भी तेज है, ये मुझे कौन बताएगा? अब बताओ हम क्या करें, इसका केस बनता है, सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा मैं? कह दीजिएगा कि नए SI के तौर पर मैंने ही ऑर्डर दिया। कौन सा ऐसा है? मैंने अब तक यहाँ का चार्ज नहीं लिया, कहीं साइन नहीं किया तो किसका नाम लिखोगे तुम? नया SI। बताओ अब क्या करोगे तुम लोग, क्या लिखोगे उस रिपोर्ट में? यही कि स्मगलर को छोड़ दिया, नौकरी जाएगी तुम सबकी। अरे कुछ बोलो, क्या लिखोगे उस रिपोर्ट में? क्या लिखे सर? तो क्या ये भी मैं ही बताऊं? लिखो तुमने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। लेकिन इनका FIR फाइल हो चुका है सर। यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसमें FIR की फाइल जलकर राख हो गई। जैसा कहता हूँ वैसा करो मूर्ति। हाथ में चोट लगी थी ना, उसी से आग बुझा रहे। गांधी जयंती के दिन झूठ बोलना अलाउड नहीं है, बहुत पाप लगता है। सैल्यूट करो। आपकी असलियत जानने के बाद, आपका असली स्वरूप देखने के बाद सैल्यूट के लिए मेरा हाथ नहीं उठेगा। ये बताओ वासु का गेस्ट हाउस किस तरफ है? कौन सा वासु? वॉल्टेर वासु का गेस्ट हाउस कहाँ है? आइए सर। बॉस यहाँ के नए ऐसे ही आ गए। दया सब इंस्पेक्टर। क्या सुन रहे हो तुम? तुम्हारे पसीने की गंध से पता चलेगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा। तुमने तो आते ही मेरे भाइयों को छुड़वा दिया। थैंक्स। वैसे हैं कहाँ वो, कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ, उन्हें एक नई चिड़िया मिल गई है, उससे खेल रहे होंगे। बोलना क्या पिएगा तू? बोलना। मैं तुझे तू कहकर बुलाऊं तो चलेगा? मेरा ईगो हर्ट होगा। तुम्हारा ईगो तुम्हारे अंदर है, मेरा वाईफाई की तरह चारों ओर फैला है। इज्जत से पेश आना और कभी गुस्सा मत दिलाना। ब्रदर बोलो। ओके। तू तड़ाक कभी नहीं। तो बताओ क्या लोगे ब्रदर? अबे Yeah. पी लो। ब्रदर आज मैं बहुत खुश हूं, तुमने आते ही मेरे भाइयों को रिहा करवा दिया, इसलिए मैं आज तुम्हें पार्टी दूंगा।
आज से घर आपका हुआ सर जी। थाट से रहना। हाँ बिल्कुल। सर इधर स्विमिंग पूल भी है, खुला होके यहाँ पे नहा सकते हो, कोई देखने वाला भी नहीं है। सर बाहर विलायती दारू से भरी पड़ी है, और भी कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। चलो ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं जरा आराम करता हूँ। ओके सर। ओके। मूर्ति ये बातें हमारे बीच रहनी चाहिए। सर ये बंगला इनका है क्या? हाँ सर। जल्दी ये मेरा हो जाएगा। सुबह से मेरे टैलेंट का नमूना देख लिया ना, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा मुझे सैल्यूट करने का। पीछे मुड़, सैल्यूट, सैल्यूट। सर सैल्यूट करने के लिए अगर कहीं आपने मुझे फोर्स किया और गलती से अगर मेरा हाथ उठ गया तो मैं अपना हाथ कटवा लूंगा, पर सैल्यूट कभी नहीं करूंगा। मूर्ति बहुत दिनों से मैंने कोई चिड़िया नहीं मारी है, सबसे पहले उसका बंदोबस्त करो, मन उछल रहा है। ये सब काम मैं नहीं करता। तुम नहीं करते तो किसी और से करवा लो, बस माल तगड़ा चाहिए। जाओ ढूंढो और लेकर आओ। ओके? ये गलत है सर। अब जाओ। बिल्कुल गलत। तोता वाकई प्यारा है। ये तोता नहीं है, मकाऊ है। अच्छा या। क्या ये जानता है कि आप इसे मकाऊ बुलाते हैं? ये कैसे जानेगा? यही तो प्रॉब्लम है। मछलियाँ नहीं जानती हम उन्हें मछली बुलाते हैं, गधे नहीं जानते हम उन्हें गधा बुलाते हैं। बात तो सही है। आपको क्या बुलाऊं? सांडी। मैं इसका नहीं आपका नाम पूछ रहा था। ये मेरा ही नाम है। ओह तो मिस मकाऊ का क्या नाम है? ये मिस नहीं मिस्टर है, इसका नाम है बॉबी। मिस्टर है? नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा डाउट है। तुम यकीन से कैसे कह सकती हो ये मिस नहीं मिस्टर है? इंसानों और पक्षियों में यही फर्क है, सिर्फ डीएनए टेस्ट से पता चल सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। डीएनए टेस्ट से हमें पता चल जाएगा, लेकिन इन्हें कैसे पता चलेगा? शायद इन्हें नेचुरली पता चल जाता होगा, एक दूसरे को देखकर कोई फीलिंग्स आ जाती होंगी। एक मेल सिर्फ फीमेल को देखकर आकर्षित होता होगा। ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ? श्योर प्लीज गो अहेड। थैंक्स। बहुत खूबसूरत है। बॉबी लुक हियर, लुक हियर। जरा इस तरफ देखना। टर्न अराउंड, सी देयर, सी देयर, लुक देयर। मेरा नाम दया है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ओह आप पुलिस वाले हैं? मैं एक पेट क्रॉस चलाती हूं। ओह पेट क्रॉस, यानी एनिमल लवर। हां अब तो रोज यही मुलाकात होगी। पर मैं यहाँ रोज नहीं आती। जिस दिन आओगी उस दिन मिल लेंगे। राइट बाय बाय। इस मिस्टर मकाऊ के लिए मिस मकाऊ लेकर आऊंगा और फिर ये लड़की मेरी दीवानी हो जाएगी। अरे मूर्ति, कल रात में जिस चिड़िया की बात कर रहा था ना, ये वही है। इसके पेट क्रॉस पर जाओ और सारी डिटेल्स लेकर आओ। मुझे उसकी सारी डिटेल्स पता है, ये लड़की बहुत अच्छी है, प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत करना। क्या करने वाला हूँ मैं? वो एक एनिमल लवर है मूर्ति, या मुझसे ज्यादा जानवरों से कौन प्यार करता है? जाओ उसे पटाने का कोई जुगाड़ निकालो। जाओ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर। लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ ना मूर्ति, अब क्या करें? चुपचाप जाओ और मामला फिट करो। जाओ 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 जल्दी जाओ। हेलो, जरा उसका रंग तो देखो, क्या स्लिम एंड ट्रिम सेक्सी फिगर है। हेलो, लौकी ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। ये तो गई काम से। उसे जाने दो भैया जी। कितनी मोटी है वो। उसी का फायदा उठाएं। उसके गले पर गौर किया, उसकी चेन भी उसी की तरह मोटी है। आज आर या पार। चलो चल। लौकी ले लो, बैंगन। बहन जी बैंगन क्या भाव दिए? 15 रुपया किलो भैया। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बैंगन चाहिए। एक बैंगन की सब्जी थोड़ी ना बनती है। मंदिर में पूजा के लिए चाहिए था। पूजा में बैंगन, ये तो पहली बार सुना है। ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। भैया जी भागिए, जल्दी जल्दी, जल्दी कीजिए, भागिए। अरे चलिए भैया जी, निकल यहां से। अरे
गलती हो गई साहब की। आप कसम खाते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, सारे पूरे काम छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे। ये क्या, आपने तो पूरे काम छोड़ने की बात। मैंने तुमसे पूरा काम छोड़ने के लिए कहा क्या? थिंक बिग यार, बड़ा सोचो। बड़ा सोचे? बड़ा सोचे, सोच की भी साइज होती है क्या? दया को दया आ रही है, ये क्या हाल बना रखा है। फटे पुराने कपड़े, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। सर मार खाया है। कैसी बातें कर रहे हैं सर, आज तक हमसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। आपका प्यार देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए सर। क्या कह रहा है पगले, तुम्हें आज तक कोई गाइड करने वाला नहीं मिला ना? चलो चलो मेरे घर पर चलो, पहले कुछ खाएंगे फिर बातें करेंगे। सच में घर पर ले जाएंगे? अरे वाह भाई वाह, वाह कसम आपका घर तो 5-स्टार होटल जैसा है। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। आज का दिन तो वाकई हमारे लिए लकी है। अरे आज ही क्यों, चाहो तो रोज ऐसी जिंदगी जी सकते हो। मजे से दिन में 3 बार खा सकते हो, रात को नर्म बिस्तर पर सो सकते हो। बस लूट का माल 50-50 करना होगा। आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। अगर सारे पुलिस वाले आप जैसे बन जाए तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलो बहुत मस्का मार दिया, आज रात में तुम्हें तुम्हारा पहला असाइनमेंट दूंगा। खुलकर बोलिए, स्पीक आउट। क्या तुम सानवी के पेट्रोस के बारे में जानते हो? अरे वही ना जिसके पास दुनिया भर के जानवर है, पर आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते? पहले मेरी बात सुन ले। उसके यहाँ सबसे महंगी चीज कौन सी है जो चुराई जा सकती है? वहाँ सबसे अनमोल चीज तो खुद सानवी है, उसके अलावा सिर्फ गली के आवारा कुत्ते। आवारा कुत्ते? तो हम वो कुत्ते ही चुराएंगे। कुत्ते चुराएंगे? कुत्ते क्यों चुराएंगे? कुत्ते चुराते हो या फिर? हाँ भाई कुत्ते चुराएंगे, कुत्ते चुराते हैं। चल चलिए। अरे उठ जा उठ जा। पप्पी, इतने कुत्ते तो किसी गली में भी नहीं मिलते। धीमी आवाज में बात करो। ये तो अनाथ कुत्ते हैं, फिर ये इतने हट्टे कट्टे कैसे हैं? पॉकेट में खाने को मिले तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। स्वीटी, जॉनी, भैया जी, सिल्वी, यहाँ से निकालिए मुझे। रॉकी, साहब ने हम पर भरोसा करके पहला काम दिया है, इस मिशन को हमें हर हाल में पूरा करना होगा। लेकिन करेंगे कैसे? कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कुत्ते को कुत्ते की तरह काटो। कुत्ते की तरह? अगर हम दोनों एक एक कुत्ते को काटेंगे तो बाकी सब भी हमारे पीछे आएंगे। रुके मैडम रुके, सर अभी बिजी है। आने दो उन्हें। हमारी बात सुनिए। यहाँ कैसे आ रहा हूँ? और बॉबी कैसा है? बॉबी को छोड़िए, कल रात चोर मेरे घर में आकर मेरे 11 बच्चे ले गए। 11 बच्चे? छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारे बच्चे भी हैं? इसके नहीं, मेरी डॉगी के पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले, वो भी 11 घर से चोरी हो गए। कुत्तों की चोरी? सर किसी ने जानबूझकर ये काम किया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग है। कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, बिना वजह कोई कुछ नहीं करता। शायद वो उन्हें मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में क्यों? तुम्हें नहीं पता, आजकल कोरिया में हॉट डॉग के अंदर असली डॉग का मीट डालते हैं। चेक करना होगा तुम्हारे डॉग कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं हो गए। एक्सपोर्ट? क्या वो कोरियंस मेरे बच्चों को खा जाएंगे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कोरिया बहुत पसंद है, मैं तो कोरिया की ट्रिप भी प्लान कर चुकी थी। पता है मुझे कोरियन मूवीज कितनी पसंद है। सर वो मेरे छोटे छोटे पिल्लों का फेवरेट गाना था सर। हाल ही में हम कोरियन फूड फेस्टिवल भी गए थे, वहाँ के शेफ से अच्छी जान पहचान भी कर ली थी है ना? और मैंने कोरियन रेसिपीज भी सीखी थी, अब क्या वो मेरे कुत्ते का मीट खाएंगे सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं, शायद वो पिल्ले कोरिया जाने वाले किसी शिप में होंगे। क्या शिप में गए होंगे? इतनी जल्दी इतनी दूर पहुँच गए होंगे? तो क्या गली के नुक्कड़ पर होंगे? वाइजैक से बोट निकलती है, नॉर्थ गई तो नॉर्थ कोरिया, साउथ गई तो साउथ कोरिया। तो मैं अपनी बोट कहाँ ले जाऊँ, नॉर्थ या साउथ? आप क्यों जाएंगी, मैं मर गया हूँ क्या? इनके बच्चे मेरे बच्चों जैसे। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों के बीच की बात है, ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। ये मम्मी है? मतलब झेलना पड़ेगा। ठीक है आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ, आप आराम से घर जाइए, आपके बच्चों को मैं देखता हूँ। जाइए जाइए। मूर्ति हेलीकॉप्टर निकालो, हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। हेलीकॉप्टर? यस हेलीकॉप्टर। तुम घर जाओ सानवी, मैं देखता हूँ। कोरिया पर हमला करो। कोरिया पर हमला? यस कोरिया पर हमला, तुम जाओ। कितना हैंडसम है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा, मिसाइल लोड करो। कोई चाय का ऑर्डर दो, सर दुख रहा है यार। यस सर। मिसाइल कोरिया तक पहुंचेगा क्या? हेलो ब्रदर, कहाँ हो? इस वक्त कोरिया में हूँ, तुम कहाँ? मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? तुम्हारी याद आ रही है ब्रदर, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम हमारी दोस्ती को इज्जत देते हो, लेकिन मैं दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ। कब से एक अच्छे दोस्त की तलाश में था, अब जाकर तुम मिले हो। कोरिया से आकर मिलता हूँ, अब फोन रखो। पक्का था। ए जरा। हाँ भाई। ये तो अपुन से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है।
पता नहीं उन लोगों ने हमारे बच्चों को कुछ खिलाया भी होगा या नहीं। ए, शायद कोई गाड़ी आई है, देखो कौन है। पुलिस वाली यहाँ क्यों आई है? Come on babies, come on, get down. तुम्हारा घर आ गया। किसे थैंक्स बोल रही हो? दया सर से, सीनियर इंस्पेक्टर हैं, हमारे बच्चों को बचाने वाले यही हैं। ओह, आपने इन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढा, कैसे ले आए आप इन्हें? अरे बॉम्बिंग करनी पड़ी, जहाज ऑलमोस्ट कोरिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था, मिसाइल से हमला करना पड़ा, इसीलिए दो दिन लग गए। लेकिन शिकायत तो कल ही लिखवाई थी, फिर दो दिन कैसे हो गए? अरे दादी माँ, कोरिया और हमारे टाइम में बहुत फर्क है। हमारा कल था तो उनका परसों था, हमारा कल उनका कल मिलाकर दो दिन हुए ना, आने जाने में उतना टाइम लगता ही है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, या ऐसे तो नहीं कि आंटी प्लीज मुंह खोल रहा, चुप कर, अभी करता हूं सर। मदर इंडिया, आपको क्या पता, इन कुत्तों की वजह से दो देश कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं और नतीजा ये है, इंडिया और कोरिया के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। कौन से संबंध की बात कर रहे हो? अरे दोनों तरफ के संबंध। अरे आप समझाइए ना। हाँ, इन झगड़ों की वजह से ना हम कोरिया जा पाएंगे, ना कोरियन यहाँ पे आ पाएंगे, समुद्र में एक दीवार खड़ी कर देंगे वो। समुद्र में दीवार? क्या बात कर रहे हो, ये इतना आसान है क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? थैंक यू वेरी मच सर। अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे अरे अरे, मुझे लगा कि मैं ही ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन आज पता चला कि तुम भी सेंटिमेंटल हो। देखो सानवी, तुम्हारी आंखों में आंसू सूट नहीं करते हैं। मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा, हम दोनों टच में रहेंगे, ओके? अब रोना बंद करो यार, ऐसा ही के आने तक आपको रुकना पड़ेगा। ये है ना नमस्ते सर, मेरी बेटी चार दिनों से लापता है। ए किरण सर, उसे कोर्ट में कब पेश करना है तुम्हें? आज ही। ठीक है, क्या कह रही थी आप? मेरी बेटी चार दिनों से गायब है। उम्र क्या है उसकी? 21 साल की है सर। फोटो लाई है उसका? जी सर। लाइए दिखाइए। गुड मॉर्निंग, वो आ गया क्या? नहीं सर। देखो उसे समझा दो, बस एक मीटिंग कर लेगा तो सारा मैटर सेटल हो जाएगा। ठीक है सर। फोटो रिटर्न कंप्लेंट करवा दी? अब तक नहीं की। करवा दीजिए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, उसका फोन नंबर, फ्रेंड के फोन नंबर, सारी डिटेल्स देंगे तो एक्शन लेंगे ना। ओके, इनकी कंप्लेंट लिखवा लो, बैठ कर सारी डिटेल्स दीजिए। जी आइए बैठिए। ए वो फाइल निकाल रहे। आपकी बेटी का नाम क्या है? हाँ उम्र बताइए। अच्छा आप तो पुलिस से पंगा लेगा, साले लॉकअप में डाल के थर्ड डिग्री दूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो समझिए सर, हाथ पैर तोड़ूं क्या? बस ऐसा मत कीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ सर। क्या समझाएगा? मैं कोई सड़क चाप गुंडा हूँ जो हर हफ्ते पैसे वसूल करने आऊंगा? आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, तू खुद आएगा। ठीक है। जा कौन है वो कमीना, मेरी चिड़िया को दाना डाल रहा, कौन है वो? वो उसे फ्लूट क्यों दे रहा है वो उसे? अरे वो मेरी फ्लूट बजा रहा है। कौन है वो आदमी मूर्ति? अरे वो केक खिला रहा है उसे। मूर्ति जाकर पता लगाओ कौन है वो। जाओ जाओ, जाओ। हाँ मैं पता लगाओ। जाओ है वो कमीना, क्यों हाथ मिलाया उससे? मैंने पता लगा लिया सर। हाँ। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है सर। हाँ। वो उसका मंगेतर है और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। शादी? तुम लव है अरेंज? ये मैंने नहीं पूछा सर। लव हो या अरेंज क्या फर्क पड़ता है? इसने मुझे क्यों नहीं बताया, किससे पूछकर हाथ की उसने? देखो उसे कैसा लंगूर दिख रहा है, उसके लायक है ही नहीं वो। सर वो लड़की रेड क्रॉस चलाती है और लड़का रेड क्रॉस में काम करता है। मैं टेलीफोन ऑपरेटर की तरह क्रॉस कनेक्शन लगाऊं? मूर्ति
ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, कोई और मेरे सिस्टम को हाथ लगाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या खूबी है उस उल्लू में? वो एक अच्छा सिंगर है सर। वो क्या हुआ? इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाता है, स्टेज पर बजाता है। मैं लोगों की पुंगी बजाता हूँ ना। मूर्ति को चिल्लात करो, आज एक खास म्यूजिकल नाइट अरेंज करके इसे चीफ गेस्ट बना दो। कुछ करो मूर्ति। हाँ करता हूँ। कॉल करो इसे। कुछ करता हूँ सर। इसका गेम बजाऊंगा। प्रणाम मूर्ति। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मस्त हूँ। हाय चिकने। सब ठीक है? नमस्ते भाभी। नमस्ते। कौन है रे तू? मैं बांसुरी बजाता हूँ। ए रोजा, ये तो बजाता है रे। क्या तुम बांसुरी बजाते हो? मुझे बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी। प्लीज जी, ओके। देखिए दूर से ही बात कीजिए। आप हाथ छोड़िए ना, कुछ हो रहा है। बांसुरी बजाना शुरू करूं? पहले मैं ये छोटी वाली को बजाता हूँ, फिर बाद में बड़ी वाली को बजाऊंगा। ओके ना, तो शुरू करें। नमस्ते सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? कल्चरल प्रोग्राम। रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम? ये रेड लाइट एरिया है? मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें क्या लगा यहाँ क्या है? मैं समझा कल्चरल प्रोग्राम है। फोन पे बात हुई थी कि 50,000 मिलेंगे, जीपीएस पे एड्रेस ढूंढ ढूंढ कर मैं यहाँ पर पहुँचा। मुझे नहीं पता था कि ये रेड लाइट एरिया है। वैसे जहाँ पर शराबी और अय्याश लोग आते हैं, क्या ये वही जगह है? अच्छा, भोंदू समझता है हम लोगों को, बेवकूफ लगते हैं। क्या बोला रहा तू? रेड लाइट एरिया के बारे में नहीं जानता है? पुलिस से झूठ बोलते शर्म नहीं आती? नहीं सर। क्या कहा, शर्म नहीं आती? एक नंबर का छड़की लगता है तू। अंधे मंत्रालय में तुझे फर्क नहीं पता? कल रात पुलिस ने रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर छापा मारा। वहाँ किशोर नाम का बांसुरी वादक रंगे हाथों पकड़ा गया। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बयान दिया कि सभी कल्चरल प्रोग्राम्स पर हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए। इस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। जो हुआ उसे भूल जाओ, ये बहुत शर्मिंदा है, अब इसे माफ कर दीजिए। इसके केस वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी, अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। ऐसे कैसे करवा दूं? मुझे तो लगा था ये मेरी बेटी के साथ डुएट सॉन्ग पे नाचेगा, लेकिन इसे तो आइटम गर्ल्स के साथ में नाचने का चस्का लग गया है। इससे शादी करवा दूं? आप मुझे गलत समझ रही है सासुमा, मुझसे तो कहा गया था वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है और पेमेंट भी अच्छा है। अच्छा, रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम था? और आधी रात में तेरे को पेमेंट कौन देता रे? ऐसा कुछ नहीं है सासुमा। अरे बाबा, वो क्या कह रहा है सुन तो लो। जाने दो, आप तो रहने दीजिए मम्मी जी, आपकी सुन के मैंने इसकी शादी सानवी से तय कर दी। इतनी तारीफ की, तारीफ के लायक है ये? सासुमा कहा ना, तो इन कुत्तों से तुझे कटवा दूंगी। हाँ आंटी, तुम्हें नहीं डांट रही हूँ बेटा। आपको अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करवानी है, यही ना? हाँ। फाइनली यही बात है। हाँ यही बात है। निकलो यार, ये क्या बोल रहे हैं सर? निकलो सर, मैं इसे प्यार करता हूँ। सानवी, मैं तुम्हें फोन करके सब समझा दूंगा। नहीं सर, मारिए मत। सानवी, फोन करके सारी गड़बड़ बता दूंगा बाद में। सानवी को समझाने तो दीजिए सर। उसे आप ये क्या कर रहे हैं सर? तो एनकाउंटर कर दूंगा। कुत्तों को पत्थर मारने वाले राक्षस से शादी करना चाहती थी। कुत्तों को पत्थर मारता था? और क्या, उन्हें नींद से जगाकर लात मारता था, खून खोलता था इसकी हरकतों को देखकर। क्या आपको भी कुत्ते पसंद हैं? पसंद है? मैं तो कुत्तों के बीच पैदा हुआ हूँ, उनके साथ पला बड़ा, कुत्तों के बिस्किट की फैक्ट्री में काम किया। तुम्हारे हिसाब से कुत्ते क्या होते हैं? जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्यार करे वो होता है कुत्ता। अरे अपने साथी कुत्तों से ज्यादा वो इंसान से प्यार करता है। हम कर सकते हैं ऐसा? हम तो इंसान में कुत्ते ढूंढते फिरते हैं। सबको कुत्ते जैसा पति चाहिए जो पत्नी की गालियां और लात खा सके, कुत्ते जैसा ड्राइवर, कुत्ते जैसा नौकर। अरे कुत्ते घर की रखवाली 24 घंटे करते हैं, जैसे तुम्हारी ये दादी करती है। तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं? मुझे कुत्तों पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। सानवी, इस दुनिया को इंसानियत की नहीं जरूरत है, कुत्ते पंती की। सानवी, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी वाइफ का कुत्ता बनकर रहूंगा और जिंदगी भर बस उसी का वफादार रहूंगा। और क्या, सर मुझे और कितने चक्कर लगाने होंगे? हर रोज मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी लापता है, पर पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? अरुण कौन है? हाँ? हाँ?
अरुण कौन है? मेरी बेटी का फ्रेंड है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। कहाँ रहता है वो? वो गाजुवाका में रहता है। गाजुवाका में माता की मंदिर के पीछे उसका घर है। जिस दिन से तुम्हारी बेटी गायब है उस दिन से वो भी घर नहीं आया। अब समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी बेटी उसके साथ भाग गई है। जिस दिन अरुण का पैसा और बेटी के जेवर खत्म हो जाएंगे घर आ जाएंगे। अब जाओ। खुद के बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, आ जाते हैं पुलिस को बदनाम करने। मिलेगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। हेलो ब्रदर, बोलो क्या काम है? नाम है उसका वेंकट राव और उसका एक फार्म हाउस है जो मुझे चाहिए। मैंने उसे धमकाया भी लेकिन उस कमीने ने कलेक्टर से शिकायत कर दी। ये काम होना मांगता है। ए मूर्ति गाड़ी निकालो। वेंकट जी ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? तकरीबन 25 साल। बाप रे, तब ये घर कितने का पड़ा? 2 लाख। और आज क्या कीमत है इसकी? करीब 50 करोड़ होगी। बाप रे, कीमत तो आसमान छू गई है। क्या बात है, गुड। वासु इसे खरीदना चाहते हैं, बेचते क्यों नहीं? साहब वो मुझे धमका कर इसे 50 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे सच कहता हूँ इसे मैंने अपनी पोती के लिए रखा है। पोती को तो उसके पापा से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरा बेटा और बहू एक्सीडेंट में मर चुके हैं, अब मेरी पोती ही मेरी दुनिया है। तो वासु ऐसा क्यों कहता है कि घर के पेपर्स उसके पास हैं और वो लीगल ओनर है? सर इस घर के सारे कागजात मेरे पास हैं। लेकिन ओरिजिनल पेपर्स का एक सेट तो उसके पास भी है। कल को वो अगर ओरिजिनल पेपर्स लेकर कोर्ट में जाएगा तो ये केस सालों साल चलेगा। ऐसे में आपकी पोती को ये प्रॉपर्टी मिलेगी इसकी क्या गारंटी है? मेरी बात समझिए, वासु 50 लाख देगा, बस पेपर पर साइन कीजिए। मगर इसकी कीमत 50 करोड़। अपनी पोती की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या 50 करोड़? जानते हैं वासु कितना बड़ा सनकी है? अगर उसने आपकी पोती को किडनैप कर लिया, कहीं छुपा दिया तो, उसे जान से मार दिया तो? क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं वेंकट जी? पेपर पर साइन कर दीजिए। मेरी बात की सीरियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए। साइन कर दीजिए। सर आपकी पोती को किसी ने किडनैप किया है? कहा था ना आपसे ऐसा कुछ हो सकता है। मार देंगे आपकी पोती को वो। उसे कुछ हुआ तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की जो आपकी पोती की जान ले ले? आप अभी साइन कीजिए, मूर्ति पेपर ला। साइन कीजिए सर, सोचिए मत, साइन कीजिए। वेंकट जी मेरी बात की गहराई को समझिए, उस लड़की की जान बचानी है या नहीं, साइन कीजिए। इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया आपने। इससे तो अच्छा होता आप उसकी जान ले लेते, मार देते उसे जान से। सर आप इंसान हो या पत्थर, आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं? उसे बचा कर आ रहा हूँ, वो लोग मार देते उस लड़की को, और बुड्ढे को 50 लाख भी तो दिए ना। मैंने जो किया उसके पीछे खास वजह है मूर्ति। वाह वाह, आपके हर गलत काम के पीछे कोई न कोई सही वजह होती है, लेकिन इससे आप सही नहीं हो जाते। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं सर, एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुंडे के लिए काम कर रहे हैं। वाल्टर वासु जैसे क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सालों से उसे देखता आ रहा हूं मैं, वो बहुत बुरा इंसान है सर। बुरा इंसान है? सालों से देख रहे हो? तुम जानते हो कि वो इंसान क्रिमिनल है, फिर भी 25 साल से यहाँ राज कर रहा है ना वो, अब तक मारा क्यों नहीं उसे? ये लो मेरी गन, लो जाओ उसे शूट कर दो। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। अगर ये सब कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन नहीं कर सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो, ये जोश मत दिखाओ। या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। न्याय, ईमानदारी, देशभक्ति, ये बेमतलब की बातें मुझे मत सुनाओ। बैग में 500 के नोट कितने और 1000 के नोट कितने, ये गिनना सीखो। ये बेईमानी के पैसे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देख, ये तुम्हारा नोट है और ये मेरा नोट है, ये ईमानदारी का है और ये बेईमानी का है। अब मैं इन दोनों को मिलाता, बताओ 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 इनमें से तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा?
बताओ मुझे। ईमानदारी इंसान के अंदर होती है, इस नोट के अंदर नहीं। इन पैसों को गाली देना बंद करो। देश में होने वाले हर अन्याय का पहला गवाह होता है ये नोट। हर एक नोट पर देखो, एक महापुरुष की फोटो छपी है ना, पर ये फोटो इनके खिलाफ गवाही नहीं देगी। ये लो, रखो इसे, रखो, और बैग अपने साथ घर ले जाओ। नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो खुद को मेरा बैंक समझो और ये रुपए तुम्हारे पास जमा रखो। रुकिए, अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहा कर ले जाएं, उसमें डूब कर आप मर जाएं। चलो चलो बुलाओ, कौन सी सुनामी बुलाना चाहते हो, बुलाओ बुलाओ। करो प्रार्थना अपने भगवान से, मैं पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ। सुनामी से कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं तैयार हूँ डूबने को, लेकिन वो मेरे लिए अलग से नहीं आएगी। और जब वो आएगी तो वो वासु, बूढ़े अंकल, उसकी पोती, बाकी सबको बहा कर ले जाएगी। मेरी और तुम्हारी तरह उसकी सोच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है, सबको डुबा कर मार कर बहा कर ले जाना है। सुनामी लाएगा सुनामी। चलो मैं बैठ जाता हूँ, बुला उसे। कहाँ है? इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? पापा, आज लास्ट डेट है, अगर मैंने फीस नहीं भरी तो वो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा। जरूरत पड़े तो बेहिचक उस बैग से पैसे निकाल लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कितनी फीस भरनी है बेटा? 40,000। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई भूल जाओ, नाम कटवा दो कॉलेज से, आज से पढ़ाई बंद। सिर्फ हमें छोड़कर बाकी पुलिस वाले कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम ऐसे बाप की पैदाइश हो जो तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। थैंक यू। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? कोई इस तरफ पूछता है क्या? तुम खुद ही कोई सरप्राइज दे दो। सरप्राइज दे दूं? अगर तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आई तो उसका मैं क्या करूंगा? देखो, लड़कियों की पसंद ना पसंद मेरी समझ में नहीं आती। मोबाइल्स, टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यहाँ पे स्मगलिंग गुड्स का मार्केट है, जो कहोगे ले आऊंगा। जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी, लेकिन आज मुझे घुमाने के लिए प्लीज तुम इस पुलिस जीप में मत ले जाना। प्लीज, अगर गर्लफ्रेंड को पिकनिक या मूवी के लिए ले जाना हो तो उसे बाइक पर ले जाते हैं, ये कॉमन सेंस है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं क्या करूं? बस दो मिनट का टाइम दो, कुछ करता हूं। ए, रुक रुक, तेरी तो रुक 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 रुक। पुलिस, मेरे पास सभी पेपर्स हैं। अरे पेपर्स किसको चाहिए, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। उतरो 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 उतरो। किसी मुजरिम का पीछा करना है? नहीं नहीं, पिक्चर दिखानी है, चलो उतरो। मुजरिम का पीछा करवा। ए, रात को पुलिस स्टेशन आकर गाड़ी ले जाना। मेरे वाली को कैसे ले जाऊं? मेरी गाड़ी खड़ी है, पुलिस जीप है, शाइनिंग मार ले जा। आओ बैठो। बैठ जाइए मैडम। प्यार से चलाना और टैंक फुल करवा के लाना। टैंक फुल करूं? हां, फुल 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 जाइए। पागल हो गया है। तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी तो कुत्ते होते हैं? हां, लेकिन वो बहुत ट्रेन्ड और इंटेलिजेंट होते हैं ना? हमने कई बार वो कुत्ते मांगे लेकिन उन्होंने नहीं दिए, हमें वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए चाहिए, तुम अरेंज कर सकते हो? आजकल एक इंसान दूसरे की भी इतनी परवाह नहीं करता। कुत्तों की जरूरतों के लिए तुमने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की कि बात दिल को छू गई। तुम्हें प्यार करना मतलब कुत्तों से भी प्यार करना। चलो ये भी कर लेंगे। फ्राइड खाओगी या ग्रिल? क्या मतलब? मछलियाँ खाती हो या नहीं? मुझे मछलियों को मारना पसंद नहीं। चिकन? नो। मटन? नहीं। तो फिर खाती क्या हो? वेजिटेबल सूप, दाल राइस, वाह, आलू के पराठे, पालक पनीर और गाजर का हलवा। अरे वाह, तो अंडा भी नहीं खाओगी? बिल्कुल नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं तो खाऊँ ना? नो। मछलियाँ वैसे भी मर चुकी हैं, इन्हें पानी में फेंकेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। तुम रुको यार। अरे कौन सी मछलियाँ? बहुत सारी हैं साहब। नाम तो बताओ। चलो मैं खुद ही चेक करता हूँ। ये वाली कौन सी है साहब? ये पापलेट है। उसका क्या नाम है वो वाली? वो सुरमई है। नहीं नहीं, ये ठीक लग रही है, इसे पैक कर दो। जी साहब। दो जल्दी।
बात सुन, तू बीच में मत पड़, रुक जा, पकड़ो उसे। चुप। अबे ये किसको उठा रहा है तू? किसको पकड़ लिया? सॉरी ब्रदर, सॉरी, मिस्टेक हो गई इन लोग से। अरे ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई? अरे ये लोग खामखा इसे उठा रहा है, मैंने तो इन लोगों को किसी और को उठाने के लिए कहा था। भैया उस बाइक पे यही लड़की बैठी थी। बाइक पे बैठी थी? किसी भी बाइक पे बैठी कोई भी लड़की उठाएगा तू? बात कर आ जाए। सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, किसने हाथ लगाया इसे? सॉरी 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 सॉरी। कितनी चोट लगी है इसे? सॉरी सॉरी, ये मेरी लाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है। दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। हर्चू, सॉरी ब्रदर, सॉरी, चल निकल, चल चल चलो ऐसे। सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी, हाँ गलती हो, अभी हो, सॉरी, हाँ नहीं होगा, बोल रहा हूँ, बाद में आके मिल मुझसे, मिलना। देखो बिल्कुल फिक्र मत करो, घर वालों से कह दो कि तुम बाइक से गिर गई थी, सब ठीक हो जाएगा, जाओ घर जाओ। तुम कब आई? क्या हुआ? मुझे रात भर नींद नहीं आई। जो भी हुआ गलती से हुआ, वो सब भूल जाओ। वो मुझे कोई और लड़की समझकर मारना चाहते थे। अगर वाकई मुझे मार देते तो बताओ तुम पर क्या बीतती, मेरी माँ, मेरी दादी, सबकी जिंदगी बिखर जाती। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। कल अगर उन लोगों ने उस लड़की को ढूंढ लिया तो वो उसे मार डालेंगे ना। उसकी भी तो एक जिंदगी है, उसकी भी तो फैमिली होगी। किसी को भी ऐसे मारना गलत बात है। रात भर मैं जागकर सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोचती रही, रात भर रोती रही। मैं नहीं जानती वो लड़की कौन है दया, लेकिन उसे जिंदा रहने का हक है। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हें उसे बचाना चाहिए। तुम्हारा उसे जिंदा रखना यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। सांदी, वो वासु मेरा दोस्त है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस लड़की को बचाना है मैं उसे जानता तक नहीं। कहां मिलेगी वो लड़की? बुलाया था? ये गन अपने पास ही रखो,
अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर। ए, ए, उसे गन काय को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो, देख क्या रहे हो। ये सब क्या कर रहा है? मैंने कहा ना इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, ए, आप उनके फार्म हाउस में चार पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे सवाल कर रहा है? ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहा था ना मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। हिम्मत है तो मेरे कवरेज एरिया में आके दिखा। हम लोग तो भाई थे ना? ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। मैं बता रहा, तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी। जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे तले जाए। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? ए, लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। वो पुलिस स्टेशन पे है ना घर पे, अब क्या करें? फोन लगा उसको। फोन नहीं उठा रहा है। क्या? अरे वो फोन नहीं उठा रहा है। वो क्या सोचता है, हमसे दूर जा पाएगा? यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस। ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। गुस्से में मैं इतनी बकवास क्यों करता हूँ मूर्ति? अरे रे, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया। सबके पास ईगो होता है, लेकिन मैं ही हूं जो उसके साथ फ्री वाईफाई देता हूँ। पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया। उस बेचारे ने मिनिस्टर से बात करके इतने बड़े शहर में मेरा ट्रांसफर करवाया। पता है उससे मैंने क्या कहा मूर्ति? जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे घर पे जा जाए। फिर मैंने मुंह खोला इतना बड़ा, तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा। उस बेचारे ने मुझे इस नए शहर में इतना बड़ा बंगला दिया है, और मैं वहां जाकर उसे सपनों में डराने की बात करके आ गया। पर मैं वहां रुका नहीं। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। अरे मूर्ति, उसे गाड़ने की बात करके आ रहा हूँ मैं। ना किसी किताब में पढ़ा है, ना कभी किसी पिक्चर में देखा है। पता नहीं ये डायलॉग कहां से आ जाते हैं जब इतना गुस्सा करता हूं मैं। बहुत अच्छा इंसान है वो मूर्ति, मैं उसकी जगह होता तो शूट कर देता। गाड़ेगा उसे, कभी फावड़ा तो ठीक से उठाया नहीं। तू सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में बैठ जा, और जैसे आए गोली मार देना। चा मार दे कुत्ते को। चलो चलो चलो, ए रुक जा, मैसेज आया उसका, देखते हैं।
ईस्ट और वेस्ट, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। अब तू ही बताना मैं क्या करूं, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट घंटा। पागल है साला। मैसेज आया भैया देखिए। हम दोनों भाई लोगों के बीच में दुश्मनी नहीं, सिर्फ भाईचारा है। हम लोग सगे भाई से भी बढ़कर है। गलत है, गलत है। सोलो ड्रामे बात छोड़ूंगा नहीं तेरे को। उसे डरना भी चाहिए, अब तक समझ गया होगा वासु के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। किसका फोन है? मिनिस्टर सर। ये क्या है, एक भोले मासूम बच्चे को डरा रहे हो तुम? उसके फोन और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हो तुम? है जवाब? मैं उसका मर्डर कर दूंगा। ए, चुप करो तुम, बहुत सारे मसले हल करवाने, मैं पहुंचता हूँ। देखो 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच कर सब ठीक कर देंगे, इंतजाम करके रखना। हाँ लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ उसे, लेके आओ। ए, मिनिस्टर उसको लेके आ रहा। चलो चलो चलो। कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अगर मुझे गोली लग जाती तो क्या कर रहे हो तुम ये? अरे पहले पेट्रोल डालता है, उसके बाद माचिस लगाता है। सर छोड़ो, करे छोड़ो इसे। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए आया हूँ। देखो कितना पछतावा हो रहा है बेचारे को। पछतावा हो रहा है बेचारे को? ऊंट की तरह गर्दन क्या हिला रहा है? पहले नहीं सोचा था। इससे कहो जब तक गले नहीं लगाएगा बात नहीं करूंगा। हाँ चलो गले लगो इसके साथ। अरे मासूम बच्चा है, भूल जाओ सब, गले लगो। हाँ लगो गले लगो। अरे काटा नहीं होगा, चुम्मी ली होगी तुम्हारी। अब लाओ चलो ड्रिंक लेके आओ। वो लड़की कहाँ है? ए लड़की कहाँ ये बता। मैं इतनी दूर से इस शहर में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे ही बदला लेना चाहते हो? छोड़ो ना ये सब। अरे आप रुको, वो टॉपिक चेंज कर रहा है। बता वो लड़की कहाँ है? देखो मैंने आज तक किसी को अपना भाई नहीं बोला है सिवाय तुम्हारे, और तुम अपने ही भाई से झगड़ा करना चाहते हो। शुरू किसने किया है? मैंने या तुमने? तुमने ही शुरू किया होगा, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। कहाँ से बच्चा लगता है? दोस्ती के लिए जान देने की बात करता था? नहीं दी क्या? गोली किस तरफ चलाई थी? मैंने हवा में चलाई थी कि तुम्हारी तरफ चलाई थी? क्या मतलब है इस बात का? अरे आप पूछे ना इससे। क्या मतलब है इसका? अरे कंफ्यूज मत करो मुझे, ये बताओ लड़की कहाँ है? क्यों बे? तू क्या कुरा रहा है? तू कहना चाहता है सिर्फ तुम पांच भाई हो, मैं भाई नहीं हूँ? बोलो क्या पीना है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखो ये क्या बता रहा है। अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तुझे क्या पीना है। इज्जत से बात करने का। इज्जत से बात करूँ तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई इज्जत है ही नहीं? तुम चाहते हो तुम्हारे चमचों की तरह मैं तुम्हें सर बुलाऊं? सर देखो ये पूरा बदल गया है, इसके अंदर इतना गुस्सा और ईगो आ गया है, हर बात पर इतना गुस्सा। सही बात है वासु, आजकल तुम में ज्यादा ईगो आ गया है। मुझ में और ईगो? हाँ तुम में ही आ गया है। अब बैठो ना, ड्रिंक का मजा लो, बातें बाद में करेंगे। ये बताता क्यों नहीं लड़की ये क्या लगा रखा है, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। अब बैठना वासु। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कौन है? वही जिसे हमसे छीन कर ले गए थे। ओ, उसका नाम लक्ष्मी है? मतलब उसका नाम भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट में मांग दिया तो मैंने दे दिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? कल को अगर मुझे मारने के लिए कहेगा तो मार दोगे? क्या समझते हो तुम मुझे? क्या समझते हो मुझे? क्या मैं इस शहर में उससे मिलने आया था या आपके कहने पर आया था? उसकी आपकी कोई बराबरी नहीं। लक्ष्मी के साथ जो करना है करो, कोई नहीं रोकेगा। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो मुझे लक्ष्मी ला कर दो। कैसा आदमी है सर? एक बार सुलह होने के बाद लड़की की बात क्यों कर रहा है? इसके लिए बुलाया था आपने? सर आप बड़े सर हैं, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। आपने मेरा दिल दुखाया है, अगले 24 घंटे तक आप मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए। प्लीज मुझे चैन से जीने दीजिए। हेलो जरा पीना बंद करो। इस मीटिंग से मुझे क्या फायदा हुआ? फायदा तो जरूर होता, दो बिछड़े हुए नाराज भाई आज फिर से मिल जाते। लेकिन तुमने क्या किया, दुखा दिया ना उसका दिल, आंखों में आंसू लेकर गया वो। पर वो लड़की? अब कौन सी लड़की? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या झक मराने आए हो? ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लक्ष्मी। अरे अरे, अगर आप नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। मुझे बताओगी लक्ष्मी कि वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल डरने की बात नहीं, ये है ना यहाँ। आप कितनी लकी हैं।
24 घंटे पूरे हो चुके हैं सर, अब आगे की बात कर ले। चल बता दे फौरन वो लड़की कहाँ है। तुम्हें वो लड़की क्यों चाहिए? कबड्डी खेलूंगा उसके साथ। अरे तू मैटर की सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ रहा है? तुम खामखा क्यों बचाना चाहते हो उस लड़की को? मेरी भाइयों की जिंदगी दांव पर है, उनके खिलाफ कुछ सबूत है उसके पास। अगर वो सबूत बाहर आ गए तो मेरे भाइयों की जिंदगी खत्म। क्या किया तुम्हारे भाइयों ने? उससे तुम्हें क्या मतलब है? उस लड़की का पता दे दो, किस्सा ही खत्म कर दूंगा। सबूत के लिए लड़की को मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें वो लड़की चाहिए या फिर सबूत? सबूत तो वो मैं लेकर आऊंगा। उस लड़की को छोड़ दो, वो तुम्हें सबूत दे देगी। अगर इस दुनिया में वो किसी पर भरोसा कर सकती है तो वो इंसान सिर्फ ये दया है। सबूत तुम्हारे हुए, उसे छोड़ दो। मेरी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इस दुनिया में अगर मैं किसी को ट्रस्ट करता हूं तो वो तुम हो। मेरे भाइयों की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे भरोसे है। मूर्ति गाड़ी निकालो। आप ये ठीक नहीं कर रहे सर, उस लड़की को आप धोखा नहीं दे सकते। साफ मूर्ति, इरिटेट मत करो, गाड़ी निकालो। अब थोड़ा डर कम हुआ? जब से तुम आई हो तब से बस रोए जा रही हो। एग्जैक्टली क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भरोसा करो। मैं न्यूयॉर्क में जॉब करती हूं, मेरी माँ और बहन यहीं रहते हैं। मैं उनसे मिलने इंडिया आ रही थी और मेरी बहन मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट आने वाली थी, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मेरी माँ और मैं उसे ढूंढते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। और फिर एक दिन उसका फोन आया। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने तक जिंदा भी रहूंगी या नहीं। दीप्ति तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे मिलने एयरपोर्ट आ रही थी और वोल्टेर वासु के भाई मुझे उठाकर यहाँ ले आए। तब से मैं नरक में जी रही हूँ। आज शायद वो मुझे मार देंगे। मार देंगे? ये क्या कह रही हो तुम? लक्ष्मी तुम सोच भी नहीं सकती हो कि पिछले 40 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने मेरा रेप किया और उसे रिकॉर्ड कर लिया है और सीडी किसी ट्रक में रख दी है। ये फोन भी मेरा नहीं है। मैंने तुम्हें जीपीएस एड्रेस भेज। किससे बात कर रही है तू? उसके बाद में दीप्ति के बताए हुए एड्रेस पे पहुंची। दीप्ति, उन्होंने मेरी बहन को मार डाला। सर वासु के भाइयों ने मेरी बहन का रेप किया और फिर उसे मार दिया। मैंने एक जर्नलिस्ट पर भरोसा करके गलती की। मैंने वो सीडी उसे दे दी। पता चला वो वाल्टर वासु का आदमी था, मुझे धोखा दिया। उसके बाद ये बात किसी और को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई और फिर उस दिन आपने मुझे बचा लिया। तुम्हारी माँ के पास अमेरिकन वीजा है? हाँ है। अब तुम वो सीडी मुझे दोगी और सीधे अमेरिका चली जाओ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ करती हूँ। तो चलो घर चलते। प्लीज ये सब माँ को मत बताइएगा, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। एक पुलिस ऑफिसर ने माँ से कहा कि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई और उन्होंने मान लिया। मेरी बेटी 4 दिनों से लापता है। मेरी बेटी दीप्ति के बारे में कुछ पता चला? तुम इन्हें अंदर ले जाओ। चलो माँ, ऑफिस से कॉल आया था, मुझे अर्जेंट बुलाया है, हमें इसी वक्त अमेरिका के लिए निकलना होगा। अमेरिका अभी? हाँ। हेलो, इसी वक्त अमेरिका के लिए 2 बिजनेस क्लास टिकट्स बुक कर, माँ और बेटी को वहाँ भेज रहा हूँ मैं। ए, सीडी, सीडी, सीडी का क्या हुआ? टिकट्स बुक करो, सीडी मिल जाएगी। रखता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मूर्ति इतनी नफरत से क्यों देख रहे हो? मैं माँ और बेटी दोनों को सही सलामत अमेरिका भेज रहा हूँ ना, उसके बाद उस वासु के पास जाकर वो सीढ़ी उसके मुंह पे मार दूंगा। बस यही करने वाला हूँ मैं।
ये बात जान लो कि मेरे अलावा इस मैटर को कोई नहीं सुलझा सकता। इस तरह देखना बंद करो। अब क्या है, क्यों गिल्टी फील करवा रहे हो मुझे? कहा ना घूरना बंद करो, जाओ यहां से, पुलिस स्टेशन चले जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है मुझे, जाओ। हाँ सानवी, सब ठीक हो गया है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लक्ष्मी और उनकी मम्मी को अमेरिका भेज रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ है? हाँ, बात करो। हाय लक्ष्मी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सानवी। अच्छा सुनो, अपना अमेरिका का नंबर दया को दे देना, हम कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ बोलो। सीडी मिली या नहीं? अब तक नहीं मिली। तो जब भी मिले लेकर गेस्ट हाउस आ जाओ। ओके। लक्ष्मी, न्यूयॉर्क पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। ठीक है। वैसे वो सीडी देने वाली थी। बेटा, हम अमेरिका जा रहे हैं, शायद दीप्ति खुद ही लौट आए। उससे कहना कि मैं उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। जी मैं कह दूंगा। आपको लेट हो रहा है ना, आप जाइए। उन्हें एक नई चिड़िया मिल गई है। मेरी बेटी 4 दिनों से लापता है। फोन तो उठा यार। तुम्हारी बेटी उसके साथ भाग गई है। उठा उठा उठा। फोन उठा। तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ हो। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? क्या बात है सर, आप तो सीधे गेस्ट हाउस जाने वाले थे, फिर ये सीढ़ी लेकर यहां क्यों आ गए? वाल्टर वासु का फोन है सर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे?
आप खामोश क्यों हैं सर? क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है सर? मैंने आपको पहले कभी रोते नहीं देखा। बात क्या है सर? जरूर एयरपोर्ट पर कुछ हुआ है, बताइए ना सर। कुछ नहीं हुआ मूर्ति। कुछ नहीं हुआ होता तो आपकी गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आई है? कुछ नहीं हुआ होता तो ये सीडी वाल्टर वासु के हाथों में होती, यहाँ नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप वाल्टर वासु का फोन उठाकर बात करते। मेरे दिमाग पे ताला नहीं लगा। मेरा दिमाग कहता है कुछ न कुछ जरूर है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ। मैं वही पुराना मवाली हूँ। मैं वही करप्ट शैतान हूँ जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा। मैं वही दया हूँ जिसमें दया का नाम निशान नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Stop it! आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर। आप बदल चुके हैं सर। मैंने कहा ना मैं नहीं बदला हूँ। आप चाहे जो भी कह ले सर, पर इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप बदल गए हैं। I will shoot you, मूर्ति जी। I will shoot you, मूर्ति जी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, बस इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मूर्ति जी कहा? इतने दिनों में पहली बार आपको समझ में आया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। बड़े छोटे की समझ और बड़ों के लिए तहजीब आप में कब से आ गई सर? अभी आपके अंदर इंसानियत जागी है। आप बदल चुके हैं सर, मैं कह रहा हूं आप बदल चुके हैं। मेरी बात मानिए, आप बदल गए हैं। मां की कोख से निकलते हुए आपको कितनी तकलीफ हुई ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन अपने इस नए जन्म से आपको बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सर आप बदल गए हैं ऐसा मेरा कहना है, लेकिन मेरी इस बात से आप सहमत नहीं हो ना तो खुद ही देख लो। अगर ये दरिंदे यहाँ आकर सीढ़ी लेकर चले गए तो आप सही होंगे, लेकिन अगर ये आपसे अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस गए तो मैं सही साबित होऊंगा। आज झूठ और सच का फैसला होकर रहेगा। मैं वहाँ बैठकर ये सब कुछ देखूंगा। हो जाने दो सही गलत का फैसला। ए, तूने भाई का फोन क्यों नहीं उठाया? सीडी दे रहा है कि नहीं? सीडी चाहिए तुम्हें? सर के पास वहीं बेंच पर पड़ी है, जाओ उसे लेकर जाओ। देखना चाहते थे ना आप, तो फिर रुक क्यों गए? हाथ उठाओ और सैल्यूट करो मुझे। जितनी बार आप इन्हें मारेंगे उतनी बार हम सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे एसआई को। छोड़ना मत इन्हें। Oh!
कसाई शहर में आया है। ए, अब तक तुमने सिर्फ करप्शन की कोख से पैदा हुए ऑफिसर्स देखे, लेकिन अब मेरी भारत माता ने एक ईमानदार ऑफिसर को जन्म दिया है। उसका नाम है दया, 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 जो तुम्हारी पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। आज उसके अंदर का हिंदुस्तानी जाग गया है, इसलिए अब तुझे और तेरे इन वैश्विक कुत्तों को कोई नहीं बचा सकता। आता पुलिस चीफ सटकली। ए, ए, ये मेरा डायलॉग था। हाँ, डायलॉग मार रहा है सर। एक घंटे पहले उससे बात हुई थी सर, अमेरिका के दो टिकट बुक कराने के लिए कहा था, सीडी लेकर आने वाला था वो। अब ये पुलिस वाला मेरा डायलॉग मुझे सुनाकर चला गया। उसने जो कहा वो मैं समझ गया। अरे, उसकी माँ को बेटा हुआ है तो उसका वहाँ रहना जरूरी है ना, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सका। कब से तुम सीडी सीडी की रट लगा रहे हो? अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो उसे दी क्यों? अब ऐसे मिनिस्टर किसने बनाया? मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था और कुछ नहीं। वो हरामी हमें चूना लगाकर चला गया और तुमने उसे यहाँ लाकर हमारे सर में बैठा दिया। याद नहीं है तुम्हें ने तुमसे हरामी आदमी यहाँ लाने को कहा था? अब तुम ही शिकायत कर रहे हो। ए, तुम लोग तुरंत यहाँ से कहीं भाग लो, अंडरग्राउंड जाओ, जाकर कहीं चलो निकलो। भैया, हमने ऐसा किया क्या, बताओ तो। जानते हो तुम लोगों ने क्या किया है? बताता हूँ क्या कारनामा किया है तुम लोगों ने। मर्डर मर्डर जैसा होना चाहिए, रेप रेप जैसा होना चाहिए, वो सब तो छोड़ो। कैमरे से शूट करके अपना ही स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, मेरे ही सर में मुसीबत डाल दी। सीडी बनाने चले थे, पिक्चर बनानी थी क्या, रिलीज कर दी थी। भाग जाए, अंडरग्राउंड जाओ। वाइजैक से बाहर नहीं जाने दे रहा, अब हम क्या करें? जहां हो वहीं छुपे रहो, जब तक मैं ना कहूं वहां से निकलना मत। वेंकटराव जी, मैंने सुना आपके पास एक फार्म हाउस है। दरअसल मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, आपसे मिलना था। मैं उसे खो चुका हूँ, उस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। अरे, बुरा हुआ, किसने किया ये सर? गुंडों के लिए तो ये आम बात है, मगर एक पुलिस वाले ने उनकी मदद की है। रक्षक ही भक्षक बन गया। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उस पुलिस वाले को कुछ करने का मन नहीं किया आपका? गुस्सा? उसे थप्पड़ मारकर पूछना चाहता था, क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? मैं एक अनाथ हूँ सर। मेरे माँ बाप नहीं है सर, एक लावारिस हूँ। गटर में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। मुझे अच्छा बुरा सिखाने वाला कोई नहीं था सर, जो देखा सुना उसे सच मान लिया। खाना खिलाने वाली माँ नहीं थी सर, भूख से जलता था पेट, जिंदा रहने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता था। कैसे जीते हैं कभी सोचा ही नहीं सर, जीने का तरीका कहां से सीखता मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने कहा था ना आप कुछ करना चाहते। थप्पड़ मारिए, मारिए सर, आप मुझे मारेंगे तो मैं उन्हें जाकर मारूंगा। मारिए सर, मारिए मुझे। बेटा गलती करे और बाप खामोशी से देखे, ये गलत है। पिताजी मारिए, उठाइए हाथ इस बेटे पर, मारिए मुझे।
कल सुबह तक अंकल के नाम के पेपर अगर मेरे हाथ में नहीं आए ना, तो परसों सुबह तक वासु के डेड बॉडी के हाथ में उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा। बता देना उसे मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं और उस बदलाव की वजह तुम हो, यही सच है। आगे तुम्हारा फैसला। सच्चाई बताने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जब बताना चाहिए था तब बताया नहीं, और अब जरूरत नहीं है तो बता रहे हो। अब मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं क्या करूं। मेरे साथ रहोगी या नहीं? वैसे तो तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन इस बात को कंसिडर करते हुए कि इस बदलाव के पीछे मेरा हाथ है, इसलिए किसी तरह गुजारा कर लूंगी। क्या कहते हो? चलो ठीक है। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर आज सुबह एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। इट्स अ मास रेप एंड मर्डर। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज किया है। एसिड और सिगरेट से उसकी पूरी बॉडी जला दी गई है। उसके शरीर में नीडल्स भी चुभोई थी। सर, आपके पास गुनेगारों की कोई इन्फॉर्मेशन है? वॉल्टेयर वासु के भाई रवि, वंशी, मही, संदीप। औरतों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 औरतों पे अत्याचार। दीप्ति के रेप और मर्डर करने वाले गुनेगारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरा देश इस खौफनाक घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। गुनेगारों को हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उन चारों को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जो कोई भी वॉल्टेयर वासु के भाइयों के बारे में सूचना देगा, उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने 5,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। नमस्ते सर, मैं एक मछुआरा बोल रहा हूँ। जब मैं मछली पकड़ने गया तो उन चारों भाइयों को मैंने नाव पर देखा। हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। अरे उसने हमारे भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तू वहां बैठ के उसके तलवे चाट रहा है। उन्हें अरेस्ट कर लिया कमीने ने। हटाओ हटाओ हटाओ, नौकरी से निकाल दो उसे। हेलो, कैसी हो तुम? मैंने कई बार फोन किया पर जवाब नहीं मिला। तुमने न्यूज़ देखी है? नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? टीवी पर दीप्ति की न्यूज़ दिखा रहे हैं। बार बार दीप्ति की डेड बॉडी दिखाई जा रही है। उसे देखकर माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पैरालिटिक अटैक आया है। मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। क्या वो बात करने की हालत में है? नहीं है। फोन उनके पास लेकर जाओ, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। दीप्ति को इंसाफ मिलेगा। We want justice! 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 Your Honor, दोषी ने पहले तो दीप्ति का वहशियाना तरीके से रेप किया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। ये केस देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज पूरा देश आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। प्लीज डू जस्टिस टू दीप्ति योर ऑनर। सबूत पेश किया जाए।
क्या है? क्या यही सीडी बतौर एविडेंस पेश की गई है? ये सीडी तो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। क्या यही तुम्हारा प्रूफ है? सीडी को जमा करवाते वक्त इसमें डेटा मौजूद था, शायद सबूत के साथ कोई छेड़खानी हुई है योर ऑनर। ये शायद जैसे शब्द कोर्ट में कोई मायने नहीं रखते सर, कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए। ये ब्लैंक सीडी लाकर इन्होंने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है और मेरे मासूम क्लाइंट को बेवजह फंसाने की कोशिश की है। केस बिल्कुल साफ है योर ऑनर, मैं कोर्ट से अपने क्लाइंट को निर्दोष करार देकर उन्हें रिहा करने की अपील करता हूँ योर ऑनर। बेच दिया ना तुमने उस सीडी को, बेच दिया ना, उसके बदले कितने पैसे मिले? ऑर्डर, ऑर्डर। इस केस में सबूतों के अभाव के कारण अदालत इन चार एक्यूज्ड को निर्दोष करार दे। सर मेरे पास एक प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है? मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सबूत पेश करूंगा। एक बार और सोच लो, इतना आसान नहीं है ये। अगर सबूत नहीं ला पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझ पर भरोसा रखकर एक दिन का वक्त लीजिए, जान भी चली जाए तो भी सबूत लाऊंगा। योर ऑनर, एक सबूत और है जिसे पेश करने के लिए एक दिन की मोहलत चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आज तक सीडी ही इनका सबूत था, अब अचानक से दूसरे सबूत की बात कर रहे हैं? पहले ही मेरे क्लाइंट की बहुत बदनामी हो चुकी है, ये पूरा देश मेरे क्लाइंट को गुनहगार समझ रहा है। इस केस को और बढ़ाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा योर ऑनर। वन डे एक्सटेंशन ग्रांटेड, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सबूत के गायब हो जाने की वजह से दीप्ति की केस का फैसला कल तक के लिए टाल दिया गया है। आखिर कौन सा सबूत है उसके पास? उसने तुम्हें कुछ बताया? कई दफा पूछ चुका हूँ उससे, पर वो कुछ बताता ही नहीं। कुछ तो है उसके पास, तभी इतना कॉन्फिडेंट है। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या कह रहे हो? कोर्ट में तो तुमने कल तक सबूत देने की बात की है। अगर मैं झूठ नहीं कहता तो वो हैवान छूट जाते। पर सीडी बदल कैसे गई? करप्ट सिस्टम में कुछ भी हो सकता है सानवी। मैं ही एक बेवकूफ था जो कानून के रखवालों पर इस तरह भरोसा कर बैठा। बदल गया हूँ ना, उसी विश्वास पर सीडी सीधे वकील के हाथ में दे दी। अगर पहले वाला दया होता तो उस सीडी की कॉपीज बना लेता। अब कल क्या होगा? नहीं जानता, मैं नहीं जानता। चीटर, ईस्ट और वेस्ट फ्रंटशिप इज द बेस्ट कादर है तूने? धोखेबाज दोस्त, क्या सबूत है तेरे पास? हैं? अरे मेरे पास आजा, जो कहेगा दूंगा, पाए फैलाए खड़ा हूं तेरे इंतजार में। कल अदालत में मिलेंगे। अरे बात को समझ यार, तू दोस्त है ना मेरा? हम पांचों एक ही मां की संतान है, सगे भाई है हम लोग। फैमिली को कुछ होता है तो पता नहीं क्या होता है, पेन। अरे तुझे क्या पता होगा, तेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना, अनाथ है, अनाथ। कौन है, कौन है अनाथ, कौन अनाथ है साला? मेरा भी एक पिता है, मेरी भी एक माँ है। तेरे उन भाइयों ने मेरी बहन को मारा है। तुम में से किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, 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 बता इस वक्त कहां पर है तू? बोलने कहां है तू? मैं कहां हूं? मैं इस वक्त बीच पे खड़ा हूं। एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं है मुझे, लेकिन तू आके ढूंढेगा ना तो मिल जाऊंगा। एकदम अकेला खड़ा हूँ, सिर्फ मेरे गुस्से के साथ। हिम्मत है तो आना कुत्ते, आ। ए, तेरे पालतू कुत्ते आएंगे, पर मैं जानता हूँ तू नहीं आएगा। तू फट्टू है, तू नहीं आएगा। तेरा गैंग आएगा, उनके साथ मेरे लिए दो दो दारू का बोतल भेजना। क्या? दो दो दारू का बोतल, मेरा दारू खत्म हो गया है। दारू? ये देखना, खाली बोतल लेकर बैठा हूँ, मेरी दारू खत्म हो गई है। तेरे चमचों को बोलना आने के टाइम दारू का बोतल लेके आने का, अगर दारू भेजेगा तो ही मैं रुकूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। चना मत, वही रुको, वही रुको, मैं तुम्हारे लिए दारू की बोतल भेजता हूँ, रुको। ए, दारू लेकर जा। हाँ, जल्दी भेज, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आओ, आ जाओ।
कहाँ है? बोतल चाहिए। दारू? हाँ? वासु पर भरोसा करके बोतल के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ? तुम लोगों ने सिर्फ चीटिंग नहीं की है, मेरा नशा उतार दिया। वो कौन था जिसने छाती पर मारा? तुम में से कौन था? किसने मारा मुझे छाती पे? कौन था? कौन था? मैं था। वो तू था ना? रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अगर अब किसी ने मेरे छाती पे वार किया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आ जाओ, किसमें किसमें हिम्मत है तो। देखो अपन पिया आए, एक एक पर अलग से ध्यान नहीं दे सकता, सो प्लीज कोऑपरेट। शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने को डिफिकल्ट होएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी अच्छाई का फायदा उठा के कोई भी मेरी छाती पे वार मत करना और पीछे से भी मत मारना। तो ये थी मेरी कहानी। अगले दिन फैसला होना था और मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं था। कैसे सजा दिलाऊंगा मैं उन्हें? ठीक 10 मिनट बाद कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी। सबको इंतजार है एसआई दया के लाए जाने वाले सबूतों का। क्या वो आज कोर्ट आएंगे या नहीं? आज देखना यह है कि सब इंस्पेक्टर दया कोर्ट में क्या सबूत पेश करते हैं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी जिंदगी में आई। अगर तुम ना होती तो मैं नहीं बदलता। रुको, कल रात तुम्हारे चमचों ने बहुत कोशिश की, तुम्हारी तरह फुस के निकला। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास प्रूफ है या नहीं? अरे बेकार के सवाल जवाब क्यों करते हो? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दे दो, जो मांगोगे वो दूंगा। कानों को अच्छा लगे ऐसा कुछ बोलो। 20, 30, 40, 100? मजा नहीं है। 100 करोड़ भाई? कहना मजा नहीं है। देख तू मेरे सारे भाइयों को बख्श दे, चाहे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है ना? भाइयों से बहुत प्यार करता है। आजा, चल कोर्ट में चल। मेंटल। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोर्ट में नए सबूत पेश किए जाएं। जो प्रूफ लाए हो जज साहब के सामने पेश करो। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ मैं खुद हूं योर ऑनर, मैं आई विटनेस हूं। इसका मतलब तुम घटना स्थल पर मौजूद थे और इन चारों को तुमने दीप्ति का रेप करते हुए देखा? वहां चार नहीं, 5 लोग थे। दीप्ति का मर्डर और रेप करने वाले 5 लोग। वो 5वां गुनेगार और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। आप
मिलकर उसे किडनैप किया। हम पांचों ने मिलकर उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। क्या झूठ? शरीर में सुइयां चुभोई, ब्लेड से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, एसिड से उसे जलाया और एक नहीं दो नहीं 40 दिन तक उसे नर्क के अंदर रखा। हमसे मौत की भीख मांगती थी वो, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाती थी हमें अंदर से सुकून मिलता था। हम तो वैसी दरिंदे हैं सर। क्यों है ना? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ। बस सुनिए इसकी बात। अगर तुम इनमें से एक हो तो तुमने इनके खिलाफ केस फाइल क्यों किया? मैंने इनसे पैसे मांगे, मना कर दिया। इससे हमारे बीच झगड़ा हुआ, मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कहा कि मेरे पास सीडी है, पर ये नहीं माने। केस फाइल किया तो ये डर कर भाग गए। कल सबको पता चल गया कि मैंने कोर्ट में ब्लैंक सीडी जमा की है, पर फिर मैंने कहा मेरे पास एक और प्रूफ है। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, बेरहमी से पीटा है मुझे इन्होंने। इन्हें लगा मैं मर गया हूं तो मुझे छोड़ के चले आए। क्या बकवास कर रहा है? मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा था, तब मुझे उस लड़की के दर्द का एहसास हुआ। मुझे पछतावा होने लगा, लगा मुझे मर जाना चाहिए। जीने का क्या हक है मुझे? इस देश के करोड़ों लोग इस कोर्ट को मंदिर मानते हैं और आपको भगवान समझते हैं। सोचा मरने से पहले आपको एक बार सच बता दूं। अभी कुछ देर पहले इस जल्लाद ने मुझे खरीदने की कोशिश की, यही कोर्ट की सीढ़ियों पर, लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर हमने दीप्ति पर बहुत जुल्म ढाए हैं सर, हमें माफ मत कीजिए सर। एक्चुअली सच तो यह है कि उस दिन हम दीप्ति को किडनैप करने ही नहीं वाले थे, आपकी पोती संध्या को उठाने वाले थे। क्या बकवास कर रहा है? विश्वास नहीं हो रहा ना? आपकी पोती संध्या गीता कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ती है ना, शाम को ट्यूशन के लिए गाजुवा का जाती है। हमारा असली प्लान तो उसे ट्रैप करना था सर, सब फिक्स हो गया था, रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन किडनैपिंग के एग्जैक्ट टाइम पे संध्या वहां आई नहीं। हमने दीप्ति को देखा, मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा उठा लो। तू क्या बोल रहा है? संदीप ने कहा दीप्ति को किडनैप करो, वो भी तो एक लड़की है, संध्या को फिर कभी उठा लेंगे। झूठ बोल रहा है, सब इसी ने कहा। जसब ये झूठ बोला जसब सर। ये सर शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे की बात होगी, हम उसे उठाने फिर गए, हम रुके थे, लेकिन संध्या नहीं आई, वो गुंटूर चली गई थी। आपका छोटा भाई वहां रहता है ना, उनका घर है ना वहां पर। क्या ऐसा क्राइम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? क्या बिगाड़ लेंगे आप? उम्र कैद की सजा सुनाएंगे ना, आपके ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे, कानून में हजारों सेक्शन है, हजारों सब सेक्शन है। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं उसका रेप करने में, कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, या हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले एक दो दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सकें? हमारे देश का इतिहास है कि एक दो दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे, तब तक संध्या और दीप्ति जैसी कितनी लड़कियों के रेप हो जाएंगे। इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? मेरा भारत आज, I'm proud to be an Indian. सर आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकूं, लेकिन क्या हम पांचों को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है? ऑर्डर ऑर्डर! अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग? ऑर्डर ऑर्डर! चुपचाप भाई खड़े रहो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाप रे, हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए इन पांच लोगों के मन में कोई सम्मान नहीं है, और ऐसे लोग समाज के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। इसलिए यह अदालत इन पांचों को 24 घंटे के अंदर फांसी देने का आदेश देती है। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे, या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। आ,
मेरे साथ आया, इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? बहुत बड़ी गलती की है तुमने, मेरे बारे में नहीं सोचा। कैसे जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? रुक जाओ, हैवान हो तुम, दरिंदे कहीं के, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, मार दो इसे, जान से मार दो। मैडम, बहुत बड़ी भूल कर रही हैं आप सच्चाई को समझ नहीं पा रही हैं। आपको इनके बारे में गलत फहमी हो रही है, ये तो देवता है ये इंसान, ये देवता है। अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहाकर ले जाए, उसमें डूबकर आप मर जाए। सुनामी आखिर आ ही गई मूर्ति जी। सर, सर, आज देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। फैसले के 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को फांसी होगी। कमीने, तुझे क्या लगता है हम पागल हैं? कोर्ट में तूने हमें पागल साबित कर दिया, पर असली पागल तू है। ठीक 10 घंटे बाद सुबह के 5:30 बजे दीप्ति रेप केस के 5 आरोपियों को फांसी दी जाएगी। पूरा देश इन 5 अपराधियों की फांसी का इंतजार कर रहा है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बताओ आखिरी बार क्या खाना चाहोगे? क्या कहा? खाना खिलाएगा? हम यहाँ मरने वाले और तेरे को खाना खिलाना है? चल जाकर उससे पूछ क्या खाएगा। मुझसे पूछ? वेजिटेबल सूप, दाल राइस, आलू के पराठे। इसके अलावा एसआई दया ने पालक पनीर और गाजर का हलवा खाने की इच्छा जाहिर की, बाकी 4 आरोपियों ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अब केवल 1 घंटा और 25 मिनट बाकी है। हेलो, आप मूर्ति जी बोल रहे हैं? वहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसीलिए मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अभी भी टीवी पर ये न्यूज़ देखी, वो लोग भैया को फांसी क्यों दे रहे हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, वो सीडी खो चुकी है, इसीलिए दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए और असली गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दया ने इल्जाम अपने सर ले लिया। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? मेरे पास उस सीडी की एक और कॉपी है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, मेरे पास एक और कॉपी है। अभी अभी हमें इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी मिली है, दीप्ति की बहन न्यूयॉर्क से हमें कुछ बताना चाहती है। सबसे पहले इस फांसी को रुकवाना होगा, दया इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बहन को 4 भाइयों ने मारा, मेरे पास उसकी सीडी है, प्लीज इस फांसी को रुकवाइए प्लीज। जो भी हो रहा है वो सही नहीं है, प्लीज मेरे भैया को बचा लीजिए, उन्होंने जानबूझकर अपने सिर पर ये इल्जाम लिया। जज साहब, बाहर आइए जज साहब। सर दया, हमें तुम्हारी फांसी रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने ये गुनाह नहीं किया, टीवी चैनल्स पर वो सीडी दिखाई जा रही है। सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे इतना बताइए सिर्फ मेरी फांसी रुकी है या इनकी भी? सिर्फ तुम्हारी, यानी इसे छोड़कर सिर्फ हमें फांसी मिलेगी।
सर, इन भाइयों ने उस लड़की को 40 दिन तक नर्क में रखा। इन्हें 2 मिनट में मारकर सुकून की मौत मत दीजिए। मेरे हाथ 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं सजा दूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो सर? वैसे भी आप इन्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं, उससे पहले मुझे इनके साथ बस 10 मिनट चाहिए। छोड़ दो मुझे, साले को जान से मार दूंगा। कमीने, तुझे मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इसका अंजाम क्या होगा, कुछ मत लिखिए रजिस्टर में। ना इसने गोली मारी, ना पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना आपने मेरे हाथ खोले, कुछ नहीं। ये बात इन 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेरे हाथ खोल दीजिए सर, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए उतना वक्त काफी है, खोलिए। रुको सालों, रुको, मैं आ रहा हूँ। खोलिए सर, खोलिए। अपने भाइयों को अलविदा कह ले। मेरा भाई, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई, मेरे भाई। कुछ नहीं हो सकता भाई, भाई छोड़ भाई, उधर से, उधर से। सर, अब भी 6 मिनट बाकी हैं। अगर इस जेल में और ऐसे हैवान हो तो ले आइए उन्हें। दीप्ति का बलात्कार करने वाले 4 अपराधियों को 10 मिनट पहले विशाखापट्टनम की जेल में फांसी पर लटका दिया गया है और न्याय की खातिर अपना बलिदान देने वाले एसआई दया को रिहा कर दिया गया है।
मैं नहीं जानता गांधी जी कैसे थे, पर उनका दिल आप जैसा ही होगा। हर पुलिस स्टेशन में आप जैसा एक ऑफिसर होना चाहिए। वो जैसे ऑफिसर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन देश को आप जैसे एक ऑफिसर की जरूरत है। प्लीज मुझे माफ कर दो।